नमस्कार, मैं हूं कुमार निशांत। और एक बात जो मेरे दिल को बहुत खटक रही थी ना, मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। हर रोज़, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, हर रोज़ हमारे देश की कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस वक्त में, जब देश कोरोना से लड़ रहा है और इस वैश्विक आपदा से लड़ के जीत हासिल करने की कोशिश कर रहा है, मेरे समझ में नहीं आता कि ये कैसे पॉलिटिशियंस हैं, कैसे लीडर्स हैं जो इस वक्त में, जो वर्तमान में सरकार है, उसके अगेंस्ट खड़ा हो सकते हैं। मतलब आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपको करना ही है तो यकीन मानो कि आपको ना ये राजनीति नहीं करनी चाहिए इस वक्त में। इस वक्त में आपको करनी चाहिए सहायता नीति के आधार पर उनकी मदद, और अप्रिशिएट करना चाहिए यार अपने गवर्नमेंट को। आप सब कर क्या रहे हैं? आप सब वर्तमान सरकार के जो लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, या फिर जो देश का, या फिर जो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको आप खरी खोटी सुनाने में लगे हो, उनकी कमियां खोजने में लगे हो। यार आपको लगना चाहिए कि आप उनको ये बताओ, आप उनको ये सजेशंस दो, आप उनकी सहयोग करो कि वो इस आपदा से लड़ने में हमारी मदद कर सके। हर रोज ट्विटर पे सैकड़ों ऐसे पोस्ट आते हैं जिसमें आप या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बुरा कहते रहते हैं, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं। आज हमारी सरकार होती तो हम ये करते, आज हमारी सरकार होती तो हम ये करते। क्या ये वक्त ये करने का है? हम सबको थोड़ा सोचना चाहिए। और जो ये पोस्ट कर रहे हैं, मैं उनसे एक बहुत सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं, आपने क्या किया? इसका जवाब आप खुद से पूछें। आपने वाकई में किया क्या? अपने घरों में बहुत ही आराम से रह रहे हैं, सुख सुविधाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हैं, और आप घर में आराम से रह रहे हैं। बस ट्विटर पे आप सीधा एक पोस्ट डाल दे रहे हैं, आपने ये किया। आपने क्या किया? सरकार को ये करना चाहिए। आपने क्या किया एज एन इंडिविजुअल? जितने भी हमारे इंडिया में, हमारे स्टेट में जितने पॉलिटिशियंस, ये हर किसी को पता है कि एक आम आदमी से कम उनकी कैपेसिटी जो है, उनकी कंडीशंस जो है, वो 200-400 गुना से ज़्यादा बेहतर है। चाहे वो फाइनेंशियली बात करें हम, या फिर सोशली, मतलब लोगों के साथ में कनेक्टिविटी की। आपने कितनी मदद की सरकार की? आपने क्या कुछ किया है? अपने बैंक अकाउंट्स को देखो, ठीक है? और आप ये देखो कि एक आम आदमी के अकाउंट्स में क्या पैसा होता है, एक गरीब इंसान के घर में कितना पैसा होता है, उसे कितने पैसे की ज़रूरत होती है, और जो निर्धन है, जिनके पास पैसा भी नहीं है, उनकी मदद आप कितनी कर सकते हो? अगर आप में दम है, अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकालो, और निकाल के एक बार उसे इशू करो, पब्लिश करो उसे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, है ना? कल आप कुछ नहीं होते, बस राजनीति में आप आते हैं और आपके पास धन का अंबार लग जाता है। ये हर कोई जानता है, वो एक आम आदमी का पैसा है जो आप दबोचते हो, है ना? जिनके पास साइकिल लेने की औकात नहीं थी, सरकार में आने के बाद में वो फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, और ना जाने कितनी आलीशान गाड़ियों में घूमते हैं, आलीशान घर बनाते हैं, आलीशान लाइफस्टाइल जीते हैं और बिजनेसेस करते हैं। ये सवाल आप पे है, आपने क्या किया? हमारे झारखंड की गवर्नमेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, कौन सी पार्टी कैसी है, कौन इंसान कैसा, ये वक्त ये लड़ाई करने का नहीं है। ये सोचना होगा कि ये वक्त है उनकी मदद करने का। और ये हर रोज जो ट्विटर पे आप कमेंट कर रहे हो ना, पोस्ट कर रहे हो, और ये अपडेट करते हो कि मजदूरों को लाना चाहिए बाहर से, आपको स्टूडेंट्स को लाना चाहिए जो दूसरे राज्यों में फंसे, मैं आपसे पूछता हूँ, साल में 2 ही बार आते थे स्टूडेंट्स एक नॉर्मल घर में, है ना? अगर कुछ दिनों तक उनको वहां रहना ही पड़ गया ना, कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ गई। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना यही सरकार अगर उन्हें लेके आती, तो वो आप ही होते जो आप ये कहते कि इनकी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी है, है ना? अभी इन्होंने एक लेटर दिया, पीएम सर ने अप्रूव किया, गृह मंत्रालय से ये चिट्ठी आई कि चलो ठीक है, अब आप उन्हें लेके आ सकती है, परमिशन लिया। सेंट्रल मिनिस्ट्री के बिना परमिशन के स्टेट गवर्नमेंट ये कदम उठा भी नहीं सकती थी। अब ये गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है झारखंड की, वो ये इनिशिएटिव ले चुकी है और जो बाहर लोग फंसे हुए उनको ला रही है। अप्रिशिएट करो यार,
है ना, जो लोग कई बुरे मामलों में फंसे हुए थे, जो पूरा झारखंड जानता है, वो लोग भी ये कमेंट कर रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि ये सरकार निकम्मी है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने ये सोचा कि आप पे कितने आरोप हैं? आपको जनता जानती है कि आपने क्या कुछ किया है अपने शासनकाल में। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले जो वर्तमान समय है जिसमें हम जूझ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, पीएम से डेली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लोगों की मदद करें, आपने कितने लोगों की मदद की है? सोचना, जरा सोचना, राजनीति मत करो, प्लीज प्लीज राजनीति मत करो इस वक्त, वरना ये जनता माफ नहीं करेगी। सरकार आपकी हो या ना हो, आपको सब पहचानते हैं।